نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين घर बेच कर गरीब कब तक दिया है न बेटिया घर बेच कर गरीब कब तक दिया है न बेटिया कब तक ये जहेज जो ही खाए न बेटिया। ऐसा ही चरण समाज में रहा तो एक दिन ऐसा ही चरण समाज में रहा तो एक दिन फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटिया। हजरत मोहतरम आज की इस बदले पुरबहार में मुझ खास साहब को जहेज जैसे उन्वान पर लकुशाई का मौका दिया गया है। यह उन्वान ऐसा खतरनाक उन्वान है जिसका नाम सुनते ही दिल कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन पर कप कपी तारी हो जाती है, जुबान बेकाबू और कलम साबित हो जाता है। इस वक्त जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जिसके खिलाफ जुबान को हरकत देने से अब हजार बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जहेज का रिवाज घर घर आम है। हत्ता की वो शख्स जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं, वो भी अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप को किस्म किस्म के पकवान का ऑर्डर करता है। जिसके घर में दो मेहमान को बिठाने की जगह नहीं, वो लड़की वालों से बंगलों का स्वाद करता है। जिसके घर में खुद बैठने के लिए बोरी और चटाई मैसर नहीं, वो लड़की वालों से गद्दों का मुताबा करता है। और जो दर्दर के भिखारी है वो लड़की वालों से सामान जहेज नकद रुपये और गाड़ियों का मुताबा करते हैं। और जो अंगूठा छाप जाहिर होते हैं उनकी भी दिली ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि उसे पढ़ी लिखी और नौकरी वाली बहू मिले। कहां से आई है लोगों बताए रस्म जहेज, कहां से आई है लोगों बताए रस्म जहेज, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं। हजरत मोहतरम जहेज की लानत घर घर की कहानी है। हर फर्द हर खानदान इससे मुलविस है, कौन नहीं जानता कि रस्म जहेज एक बुरी रस्म है। लेकिन काम तो उस वक्त बनेगा जब जहेज की हकानियत और इसके नुकसान को जानने वाले इस पर अमल करें, जहेज जैसे खबीस अमल को तर्क करने का अज़्म करे, वरना फकत इसको जान लेने से क्या होगा। सामीने दी गोपाल जो लोग मालदार हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमतों से माला माल किया है, उनके घर में हर किस्म की फरावानी है, जिन्हें मजीद दौलत की चंदा जरूरत नहीं। अगर वो इस बुरी रस्म को खत्म करना चाहे तो बआसानी रस्म खत्म हो सकती है, रस्म मिट सकती है। लेकिन जब ऐसे लोगों की नियतों में खोट हो और उनका हर एक दिल उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करता है तो लाठी के शोर से कानून के जब्र से इस रस्म वक्त को खत्म नहीं किया जा सकता। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिससे बेटिया जीत जाए और जहेज हार जाए। हजरात मोहतरम मुझे बताओ क्या कसूर है उन बेटियों का जिन पर इतने मसाए को आराम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, क्या कसूर है उन नाबालिग बच्चियों का जिन्हें पैदा होते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या कसूर है उन गरीब लोगों का जिनकी बेटियां जवानी के आलम में भी अपने शोहर से मुलाकात को तरसती है मगर हो गई और उसकी जड़ मजबूत और उसकी शाखें पूरे अतराब आलम में फैल चुकी हैं। हजरात मोहतरम मुझे कहने दीजिए मुदाते जहेज की वजह
मुसलमानों से राम ने खुद को फांसी पर लटका दिया। तब वाह।